ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट, पहला बिट दे रखा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा तो बिट वन करते हैं। हमें इधर गिवेन क्या है, व्हाट इज गिवेन टू अस, गिवेन टू अस इज ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और लेफ्ट हैंड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट हैंड में ये पूरा का पूरा, दे आर ऑल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रिमेंबर दे आर ऑल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। पहले तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आई बी, डिनोमिनेटर सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट होता है सी माइनस आई डी, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। तो मुझे एक आइडिया मिल गया, जो गिवेन दे रखा है ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, लेट्स टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, और अगर दोनों साइड में कॉन्जुगेट लेते हैं ये हो जाएगा ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी, इसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट। और हमें ये पता है कि जेड वन बाई जेड टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन का कॉन्जुगेट बाई जेड टू का कॉन्जुगेट, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस का कॉन्जुगेट इज द सेम एज ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, बट एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। अब देखो बेटे कॉन्जुगेट ऐसे बनाओ जैसे कि आपका जो डिविजन सिंबल एंड कॉन्जुगेट के बीच में आपको अंतर पता लगे। तो ये हो गया ए प्लस आई बी, क्या हो गया बेटे ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या हो गया सी माइनस आई डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई। प्रूव्ड? यस सर। ओके अभी ओके वेट, अभी जो दूसरा प्रूफ दे रखा है, अभी जो दूसरा प्रूफ दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप दोनों तरफ मॉड लेके कर सकते हो, राइट, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। यस सर, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स एंड देन देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड लेके स्क्वायर, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ऑलरेडी आपको ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी का वैल्यू पता है विच इज एक्स प्लस आई वाई, आपको ए माइनस आई बी एंड सी माइनस आई डी का वैल्यू भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वी टू में ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी के साथ आप ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था एक्स प्लस आई वाई, और इसका वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले, क्या निकाले बेटे एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई बाई वाई। अब जरा बेटे देखो लेफ्ट हैंड में, अच्छा बेटे ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इट इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी इज इट इट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इट इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस काम खत्म, प्रूव्ड? यस सर। ये भी एक तरीका है, या फिर मॉडुलस लेके स्क्वायरिंग कर सकते हो। कितनों को मॉडुलस लेके स्क्वायरिंग समझ में नहीं आता है? ओके आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास वीडियोस, ठीक है? ओके टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, डन? ओके यस सर। ओके नाउ लेट्स लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, लेट मी इरेज इट। ओके क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट जेड वन प्लस जेड टू मॉड स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू जेड वन मॉड स्क्वायर प्लस जेड टू मॉड स्क्वायर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड वन एंड जेड टू, जेड वन जेड टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, सॉरी मॉड का स्क्वायर मतलब जेड वन जेड टू का ऐड करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड वन से जेड टू को माइनस करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जेड जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर, गेट इट? यस सर, यस सर, ओके बेटे चलो एलएचएस नहीं, इसको ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं ये दोनों को सेपरेटली देखते हैं, क्या एक्चुअली में ये चीज है क्या, ये चीज है क्या, सेपरेटली देखते हैं। पहले चलो जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर देखते हैं। और बेटे आप सबको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज द सेम एज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। यस सर, यस सर। तो बेशक जेड वन प्लस जेड टू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड का स्क्वायर विल बी व्हाट, जेड वन प्लस जेड टू इंटू उसका कॉन्जुगेट, जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, राइट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू मॉड का स्क्वायर, ये रीजन। फिर देखो बेटे जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुगेट इज जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, ये हमें पता है बेटे, मैं आपको बताया था मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है, बताया था याद है ना, जेड वन प्लस जेड टू का मॉड इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, ये नहीं होता है, कॉन्जुगेट में होता है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, हाँ जी बोलिए सर, जो क्वेश्चन में हाँ सर, जो आर एच एस का जो आर एच एस जो टू सर टू आर एच एस में सर जेड वन प्लस जेड टू को तो ब्रैकेट जेड वन स्क्वायर को जेड टू मॉड का सर तो सर ब्रैकेट में रखना चाहिए। हाँ रखा हो ना, एवं रखा हो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड वन इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट। अब बेटे देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका मॉड का स्क्वायर, जेड वन में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे उसका मॉड का स्क्वायर, ओके okay. ये भी देखो जेड टू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मॉड का स्क्वायर, बाकी ये बच्चे ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखा है, इसको आप मॉड का स्क्वायर नहीं कर सकते, राइट? यस सर, यस सर, बस। तो ये निकल के आया हमारा क्या, जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। अब उसी तरह जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर भी निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते क्योंकि दोनों का एडिशन ही एलएचएस में है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर होता है क्या, उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट, अब बेटे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते वक्त अगर आप अपना दिमाग लगाते रहे मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो कि ऐसे करने से हो जाता ऐसे करने से हो जाता तो डोंट डू इट, आप मेरे में जो समझा रहा हूँ नहीं समझ पाओगे, तो मैं समझाते वक्त आप मेरा समझाना दिखो, मैं समझाने के बाद आप घर में जाके खुद रिसर्च करके अपना मेथड में करना, ठीक है? फिलहाल अभी के लिए इसको देखो, जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, जेड वन का कॉन्जुगेट जेड माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट, फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट माइनस जेड वन इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट माइनस जेड टू इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट, और इधर क्या हो गया, जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट क्या हो गया, जेड वन का मॉड का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, जेड टू का मॉड का स्क्वायर, और ये जो है वही है, राइट? इसको तो कुछ नहीं कर सकते। और हमें एलएचएस में दिया क्या है, व्हाट इज एलएचएस, आवर एलएचएस इज सर टू जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस नो सर, हाँ ये सर, ये सर, ये है ना एलएचएस, ये सर। और ये क्या निकल के आया था हमारा,
ये क्या निकल गया था, इसका वैल्यू क्या निकल गया था, जेड वन का सर जेड वन का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट प्लस जेड टू इंटू जेड वन कंजुगेट। और ये क्या निकल गया, मैं इसको अलग पेन में लिख रहा हूँ, ये क्या निकल गया, ये सर जेड वन कंजुगेट स्क्वायर सर जेड टू कंजुगेट स्क्वायर सर मॉड स्क्वायर मॉड स्क्वायर सर माइनस जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट माइनस जेड टू इंटू जेड वन कंजुगेट सर इट विल कैंसिल आउट यस सर एंड इट्स टू। ये दोनों महापुरुष एक दूसरे को काट देंगे, ये दोनों महापुरुष एक दूसरे को काटने के बाद बचे कौन, जेड वन मॉड का स्क्वायर प्लस जेड वन का मॉड का स्क्वायर टू इंटू जेड वन का मॉड का स्क्वायर है, दो बार ऐड हुआ है ये, दो बार ऐड हुआ है टू इंटू टू कॉमन ले जाएंगे। बेटे क्लियर? यस सर। ओके कितनों को डाउट है समझ रहे हैं बेटे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आर एस अग्रवाल से जो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है उसको करा दे रहा हूँ। हाँ बोल सर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए थे, उसमें मैं ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी लेके क्वेश्चन था। अरे ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी लेके ने क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ना लंबा खींचेगा, हर चीज हो सकता है लेकिन लंबा खींचना गलत बात है। प्रैक्टिस करो पहले डिफिकल्ट तरीके से करने की, वंस हो गया रिसर्च हो गया फिर देखो कौन सा तरीका एफिशिएंट है। Ready? Take a screenshot. सर वो भी इतना 8 steps में हो जा रहा है। अच्छा A plus I B C plus I D लेके? Yes sir. Yes sir. C तो change करना है ना सर? हाँ। Z1 minus Z2 में सिर्फ minus ही तो है ना सर, और बाकी सब तो same ही रहेगा। Minus से सब तो change होगा। हाँ हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ओझा जी बोल रहे हैं कि हम इधर जेड वन के जगह ए प्लस आई बी ले जाते हैं और जेड टू के जगह आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ यस आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं, इसी एक क्वेश्चन में अगर उलझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं जितना जल्दी खत्म करके थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ, सुबह से कोल्ड हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। ओके ओके टेक इट। डन? ओके लेट मी इरेज इट लेट मी इरेज इट। ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। हाँ लेट मी जूम इट आउट। इतनों को बोर लगने लगा है धीरे धीरे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यस क्वेश्चन इज कि लेट बेटे ये सारे क्वेश्चन को आप इवनिंग क्लास कॉपी में लिखोगे ना, तो इसको क्लास नोट में लिखोगे ना, तो इसको असाइनमेंट कॉपी में लिखोगे। राइट ऑल दिस इन इवनिंग क्लास कॉपी, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं डालूंगा मोस्ट प्रॉबली मिसेलेनियस या फिर बुक से डालूंगा, 2 mark 1 mark क्वेश्चन घुमा के इधर उधर से आ सकता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन रेस्ट अश्योर्ड एनसीईआरटी प्योर। ओके सो लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप मास्टर बन जाते हो। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 1 - ij डिवाइडेड बाय, और एक क्लास में आपको पोलर फॉर्म भी पढ़ा दूंगा जो कि सिलेबस में नहीं है, आज नहीं हो सकता टाइम नहीं होगा, फिलहाल आज इतना ही करते हैं। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस सो दैट जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। बस क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है कि मानो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ऐसा है कि मानो जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट 1 - i इंटू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डिवाइड बाई जेड माइनस आई का मॉड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर वाला, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर जेड ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रूव करो सो दैट ये जेड एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है।
और अगर आप भूल गए हो कि भूल गए हो, मैं मेरे बेटे याद दिलाना चाहता हूँ, दुनिया के सारे रियल नंबर्स ही प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। दुनिया के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और हम उनको प्योरली रियल, शुद्ध रियल नंबर, शुद्ध रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, राइट, प्योरली रियल। और उनका फीचर क्या है, उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली रियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूंगा जेड इज इक्वल टू टू, टू एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, टू मतलब क्या होता है, टू प्लस जीरो आई या फिर टू माइनस जीरो आई, वॉट एवर। तो ये जेड अभी टू का इमेजिनरी पार्ट क्या है, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यू सी फॉर योरसेल्फ, इज जीरो, राइट। दैट इज व्हाई आई शैल से दिस इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस आपको अगर कहीं पर बोला गया है, आपको अगर कहीं पर ये बोला गया है कि बेटे प्रूव करो कि जेड प्योरली रियल है, तो बस आपको उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो प्रूव करना है, क्योंकि रियल पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। प्योरली रियल होना है मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो दिखाना है, बस। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो दिखा दिए, वो रियल पार्ट व्हाट एवर, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट द रियल पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो प्योरली रियल। तो एक काम करते हैं कि एक ले जाते हैं प्रूफ में, एक लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या फिर ए प्लस आई बी या फिर सी प्लस आई डी, व्हाट एवर टेक्स योर फैंसी। मानो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो पहले मैं इधर ही इसको थोड़ा, अच्छा बेटे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और ये मेरा जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं एक जेड ले रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैं मेंशन करना ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन मेंशन करना अच्छा है मैथमेटिक्स में। जितना मेंशन कर दोगे कि एक्स इज ए रियल नंबर, वाई इज ए रियल नंबर, तो सबको पता चलेगा कि ये क्या है बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर। तो बेटे हमें यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं, वन माइनस आई इंटू जेड क्या होगा, वन माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर, यस सर। तो वन माइनस, बेटा आई को अंदर मल्टीप्लाई किए तो माइनस आई एक्स, माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर वाई, दिस इज वन। बेटा आई स्क्वायर होता है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन प्लस वाई माइनस आई एक्स। बेटा देखो पासा कैसे उल्टा पड़ गया, हाँ कैसे उल्टा पड़ गया, जेड का रियल पार्ट एक्स और इमेजिनरी पार्ट वाई था, लेकिन वन माइनस आई जेड ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बंदा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे, मुझे कैसे पता चले स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि मुझे पता है वन वाई ये दोनों रियल नंबर है, ये रियल नंबर प्लस आई इंटू माइनस एक्स, आई एक्स भी एक रियल नंबर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर अच्छे से लिख दे, दिस इज वन प्लस वाई प्लस आई इंटू माइनस एक्स, देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इधर, यस सर, हाँ, तो इधर व्हाट इज द रियल पार्ट, सॉरी ये नहीं, अभी इसका कोई लिखना नहीं है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट छोड़ो, ये गया। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था उस टाइम पे, बहुत सारों का ये हो रहा था कि आप ना इसका जो मॉड निकाल लेते ना, गलती से लिख रहे थे वन का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, अभी नहीं, पूरा पाप हो गया बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और तुम्हें कौन महापुरुष आके बोल के गया है कि ये के जेड, ये वन रियल पार्ट और जेड इमेजिनरी पार्ट? अरे इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट और दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। और अगर आप जेड को, माइनस जेड को अगर आप इधर इसका इमेजिनरी पार्ट समझते हो, क्या आपका जेड क्या आपका प्योरली रियल नंबर, रियल नंबर है क्या? दे रखा है कहीं पर, मेंशन है क्या कहीं पर जेड इज अ रियल नंबर? अरे जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस आई वाई उसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो आप जेड को कोई रियल नंबर मत समझ के, जेड को इमेजिनरी पार्ट मत समझ लेना, ऐसा मत समझ ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, डिनोमिनेटर में था जेड माइनस आई, अब देखो जेड आपका एक्स प्लस आई वाई, उससे अगर आई माइनस करोगे तो एक्स प्लस आई कॉमन ले जाओगे तो वाई माइनस वन, क्लियर? बस, यस सर। Okay. Yes. Okay. According to the question, कि ये जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि वन माइनस आई जेड बाई
जेड माइनस आई इसका मॉड वन के साथ इक्वल, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि सच दैट जेड इज सच ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू वन। तो जेड वन माइनस आई जेड कितना निकल गया था सर? वन प्लस वाई प्लस वन सर आई इंटू माइनस एक्स। यस, वन प्लस वाई प्लस आई इंटू माइनस एक्स। अरे बेटे याद है ना डिवाइड बाई? यस सर। ओके, जेड माइनस आई कितना आया था? एक्स प्लस आई इंटू आई ब्रैकेट वाई माइनस वन। यस, अब पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों का ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखोगे हमेशा रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो बेटे हमें पता है कि जेड वन बाई जेड टू का मॉड क्या होता है? जेड वन का मॉड बाई जेड टू का मॉड, राइट? यस सर। तो न्यूमरेटर का मॉड बाई डिनोमिनेटर का मॉड, अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, इज इक्वल टू वन। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने के लिए बहुत इजी है, हमें क्या करना है बस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर करना है। और इसका रियल पार्ट है वन प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर करके वही एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। नीचे क्या है बेटा? रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई माइनस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू वन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। और ये बेटे जो रूट ओवर सिंबल है ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैं रूट ओवर सिंबल से छुटकारा चाहता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट ओवर हट जाएगा गायब। यस सर। अरे कितनों को समझ में नहीं आ रहा है रे, बताओ क्लियर? ओके, यस सर। और बेटा देखो एक्स स्क्वायर कैंट कट कट गए, वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई, इसको एक्सपांड करेंगे तो वाई का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू वाई, ये बंदा कट जाएगा, दोनों तरफ वन वन है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तो कट गया, फाइनली हमें मिला टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई, टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू। और बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं, वाई वाई काट के लिख देते हैं टू इक्वल टू माइनस टू इम्पॉसिबल, फिर गड़बड़ करके आ जाते हैं। अभी मैंने बताया था इक्वेशन में कभी दो वेरिएबल को दोनों तरफ काट मत दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वाई जीरो है या फिर कुछ और है, और हो सकता है वाई जीरो हो, जीरो को दोनों तरफ से काट नहीं सकते हैं। तो इस तरफ ले आएंगे तो फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, फोर को दोनों तरफ डिवाइड करते वाई इज इक्वल टू जीरो। और वाई क्या है बेटा? जेड का इमेजिनरी पार्ट है, राइट? मुझे जहाँ तक याद है वाई जेड का इमेजिनरी पार्ट है, राइट? आवर जेड, यस सर, आवर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और हमने प्रूव दिखाए, प्रूव करके दिखाए कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था अगर वो कंडीशन हो रहा है तो उस हिसाब से वाई का वैल्यू जीरो हो रहा है। और वाई, व्हाट इज वाई? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यस सर। और अगर जेड का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो जेड क्या हो गया? प्योरली रियल, राइट? प्योरली रियल नंबर। यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, वन सेकेंड। यस। अरे कितना ऊपर से जाएंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यस, टेक इट, डन सर। ओके, नहीं टेक इट, डन सर। ओके, टेक इट, डन सर, डन। ओके, और बेटे लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, आप इवनिंग क्लास में आए हैं तो एक सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या? जो था इफ जेड वन
का मॉड इज इक्वल टू जेड टू का मॉड इज इक्वल टू जेड थ्री का मॉड इज इक्वल टू डॉट इज इक्वल टू जेड एन का मॉड इज इक्वल टू वन देन प्रूव दैट सर ये किए थे श्योर यस सर यस सर ओके ओके अच्छा फिर ये किए थे क्या इफ जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट टू जेड वन डिवाइड बाई थ्री जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी देन प्रूव दैट जेड वन माइनस जेड टू बाई जेड वन प्लस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू वन कर दिए थे क्या नो सर नो सर नो सर हाँ तो इसको करते हैं तो क्वेश्चन देखो बेटे उसने दे रखा है कि इफ सर हम थोड़ा ट्राई करें हाँ अच्छा ट्राई करोगे ठीक है ट्राई यस 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 ट्राई फॉर योरसेल्फ यस ट्राई ठीक है हर तरीके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2z1 by 3z2 is what? Is purely real. Sorry, purely imaginary. अच्छा बेटे purely imaginary number कोई एक example दो बेटे कोई. What is purely imaginary number कोई example दो. Purely imaginary number दिखता कैसे actually? अगर मैं मेरे सामने एक number आ गया तो मैं उसको देख के कैसे पता करूँगा ये purely imaginary number दिखता कैसे है? कि सम रियल नंबर है सम रियल नंबर इनटू आई ये होता है उसका चेहरा यस सर आई माइनस आई 2i माइनस 2i रूट 2i माइनस रूट 2i दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स और सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर जैसे सारे रियल नंबर होते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर उसी तरह सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट हम क्या करते हैं लेट ये बोला है ना कि ये एक प्योरली इमेजिनरी है तो चलो काम करते हैं इसको लेट दिस इज इक्वल टू के आई हाँ वेयर के इज सम रियल नंबर हो गया ना बेटे ये कोई रियल नंबर है तो आई एक इमेजिनरी नंबर है राइट दिख रहा और आप अननेसेसरीली जेड वन को अलग से जेड टू को अलग से काहे ले रहे हो क्योंकि वो तो दे रखा है कि ये पूरा का चीज एक प्योरली इमेजिनरी तो इसको हम ले जाते हैं लेट दिस इज इक्वल टू के आई मेरा बस समझे यस सर ओके इसमें ओके और उसमें उसने क्या पूछा था बेटे प्रूव दैट क्या प्रूव करा है कि जेड वन तेरी का ही ऊपर चला जा रहा है जेड वन माइनस जेड टू बाय जेड वन प्लस जेड टू का मॉड राइट जेड वन माइनस जेड टू बाय जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का वैल्यू वन प्रूव करने के लिए बता वाला है तो कोई नहीं हम एक काम कर देते हैं अच्छा इसी से हमें पता चलता है राइट इसको जो हम देखते हैं राइट इसको जो मैं देखता हूँ इससे मुझे इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगा इससे मुझे पता चलता है कि टू जेड वन सॉरी जेड वन विल बी व्हाट थ्री जेड टू इंटू के आई डिवाइड बाई टू राइट जेड वन के देखो yes, sir. थ्री जेड टू yes, राइट तो एक काम करते जेड वन की जगह लिखते हैं थ्री जेड टू इंटू के आई डिवाइड बाय टू माइनस जेड टू डिवाइडेड बाय नीचे लिखते हैं नीचे क्या लिखेंगे थ्री जेड टू बेटे एलिमिनेशन में थोड़ा के आई बाय टू प्लस जेड टू का मॉड अरे क्लियर यस सर ओके बेटे ऊपर से ये दोनों टर्म में से जेड टू कॉमन आ सकता है राइट नीचे में से जेड टू कॉमन आ सकता है ऊपर जेड टू नीचे जेड टू कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा बेटे बस थ्री थ्री बाई टू इंटू के आई माइनस वन डिवाइड बाय सर टू भी तो कट जाएगा ना सर हाँ हाँ यस 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 पहले हाँ टू टू एलसीएम लेके टू भी कट सकते हो टू के आई प्लस वन का मॉड हाँ और सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करोगे तो टू को ऊपर एलसीएम लेके काट दो तो ऊपर हो गया थ्री के आई माइनस टू बाई टू डिवाइड बाई थ्री के आई
प्लस टू हाँ बाई टू 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 ऊपर टू नीचे टू कट जाएगा एलसीएम। अच्छा अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर भाई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सॉरी उसका मॉड क्या होता है, ऊपर का मॉड डिवाइड बाय नीचे का मॉड। अच्छा ऊपर yes, को ऊपर को थोड़ा सा अरेंज कर दूं तो ये माइनस टू प्लस थ्री के आई डिवाइड बाय नीचे जरा अरेंज कर दूं तो टू प्लस थ्री के आई राइट, इसका मॉड देख रहे हो तो ऊपर का मॉड डिवाइड बाय नीचे का मॉड। ऊपर का मॉड एक सेकंड ओके, ऊपर का मॉड क्या होगा रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का, थ्री के का स्क्वायर नाइन के स्क्वायर, नीचे रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट फोर फोर नाइन के स्क्वायर कैंसिलिंग वन। अरे गॉट इट यस सर हाँ यस सर ओके यस सर ओके okay. लेकिन आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना कि आप जेड वन एंड जेड टू को सर के तरह नहीं सोच पाए तो इसका मतलब आप थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट हो, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है तो नो सर नो सर क्योंकि सोचो जरा अगर शुरू से ही आपको ये पता होता है तो फिर हम किस लिए हैं है? ओके टेक द स्क्रीनशॉट, अरे टीचर का भी तो कुछ काम होगा ना। ओके टेक द स्क्रीनशॉट यस सर यस सर। अगर शुरू से बच्चा को सब पता होता तो टीचर का क्या काम है, इसीलिए ओके okay. और बेटे एक्स्ट्रा पैसा अगर है राइट, अगर एक्स्ट्रा पैसा है खर्च करने के लिए तो इस एक्स्ट्रा पैसे से एक काम करो, आरडी शर्मा खरीद के ले आओ। अरे सर क्या हाँ यस क्या हो रहा है, अरे क्या बोल रहा है वो, बोल के चुप हो जा रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो एक्स्ट्रा पैसा से क्या कर सकते हो पता है, अच्छा सा ब्रॉडबैंड ले जाओ या फिर फाइबर लगा दो, वो तो 600-700 रुपये में हो जाएगा। अननेसरली 2000-3000 एक अननेसरली एक्स्ट्रा गिन रहे हो, और दूसरा है मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो का आप देख सकते हो ना बाद में, तो क्या प्रॉब्लम है राइट यस सर। हाँ थोड़ा थोड़ा यस थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ थोड़ा ओके ओके ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं या फिर और एक क्वेश्चन कर दे, कितनों को अच्छा आज के लिए इतना ही शायद करते हैं और एक यस सर और एक और एक यस सर ओके ओके। तो क्वेश्चन है गाइस इधर रखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इफ द अच्छा अच्छा और भी है क्या ना और भी है एक सेकेंड शॉर्टेस्ट साइड फिर उसके बाद है एंड द थर्ड साइड इज एंड The third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter or but at linear inequation yes at least ko underline karenge very important at least 61 centimeter find the minimum length of the shortest side ठीक है शॉर्टेस्ट साइड एक सेकेंड वन सेकेंड अच्छा
तो गाइस देखो क्वेश्चन को जरा समझने समझो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आप सपोज एक ऐसा सोच लो कि आप एक कारपेंटर हो, ठीक है, यू आर अ कारपेंटर। हाँ यस, अच्छा फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फिर करोगे। आप एक कारपेंटर हो, ठीक है, आप एक ऐसा सोच लो कि यहाँ पर कुछ कारपेंटर मेंशन नहीं किया, इमेजिन करो यू आर ए कारपेंटर और आप एक ट्रायंगल, एक लकड़ी का एक ट्रायंगल बना रहे हो, लकड़ी का एक ट्रायंगल बना रहे हो और आपको मेरे लिए आप बना रहे हो और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि बेटा तू जो मेरे लिए जो ट्रायंगल बनाएगा उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो सबसे बड़ा साइड होगा, ट्रायंगल का तीन साइड होते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो शॉर्टेस्ट साइड का तीन गुना होना चाहिए। यस The answer is 7, sir. Answer is 7. No, wrong. Okay, listen. 9. Yes, 9 correct. Yes. Okay, wait. तो ट्रायंगल का जो मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का तीन गुना होना चाहिए एंड जो तीसरा साइड है, दो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट को छोड़ के जो तीसरा साइड है उसका लेंथ लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। और मेरा इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा इंस्ट्रक्शन आगे और भी है। मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जो ट्रायंगल मेरा बनाएगा वो ट्रायंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का लेंथ का सॉम, तीनों साइड का लेंथ का सॉम कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब उसका वैल्यू 61 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, 61 से कम नहीं होना चाहिए, 61 इज़ द मिनिमम। ऐसा बना कि मेरा पेरीमीटर 61 या फिर 61 से ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, एटलीस्ट 61, ठीक है, गॉट इट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। यस सर। तो अगर बनाएगा तो आप कारपेंटर हो, आप सोचोगे अगर मुझे ये ओम प्रिय सर के ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करके मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ में क्या रखूंगा, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ में किससे शुरू करूंगा, मतलब 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर मिनिमम रखूंगा या फिर क्या रखूंगा, मतलब जिससे कि और कम कर दूंगा तो ओम प्रिय सर का कंडीशन सारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मिनिमम रहना चाहिए। तो मिनिमम क्या मैं शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ रखूंगा ताकि ओम प्रिय सर के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। सो टाइम शुरू करो बेटे, शुरू करो। सो बेटे मैं करता हूँ, देखो बेटे। ओके, कितनों का आया? 9 आया, कितनों का? समेरा। चलो ठीक है। तो फिर मैं और क्यों ये वार्ड प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, सारे कर लो। ओके ठीक है, तो देखो बेटे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो ओम प्रिय सर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इसका तीन गुना, 3x। और जो थर्ड साइड है ना, जो थर्ड साइड है मीडियम साइड जो, राइट, थर्ड साइड है, उसके साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, राइट, इतना हमें पता है। ओके, और एक्स हमारा वेरिएबल है क्योंकि हमें पता नहीं कि एक्स क्या है, एक्स डिसाइड करेंगे बाद में। और क्या कंडीशन है कि इसका पेरीमीटर जो, और पेरीमीटर क्या होगा बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर? एक्स प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 7x माइनस 2। और क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर इंस्ट्रक्शन ये हमें कि पेरीमीटर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर 7x माइनस 2, इसका वैल्यू 61 या फिर 61 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए। तो ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन करने के लिए बताया ताकि ये समझो, गेट इट? ओके। अच्छा, इतना कंडीशन से काफ़ी नहीं होगा, इतना कंडीशन से काफ़ी नहीं होगा, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। यस, एक्चुअली में एक सेकंड मुझे जरा सोचने दो, आप बस एक ही में कर दिए ना, एक ही में कर दिए, राइट? अच्छा यस चलेगा, यस हाँ ये एक ही में ही हो जाएगा, यस। बाकी कंडीशन ये करना चाहिए था,
लेकिन अब एक ही में कर दिए। अच्छा बाकी कंडीशन भी करना चाहिए था बेटे, तीनों को लगा के करना चाहिए। एक्चुअली प्रोसेस ये है, ठीक है चलो इस हिसाब से आप अगर कर दिए हो तो 7x आपका आ गया कि 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 टू लागे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाई 7 दोनों तरफ 7 डिवाइड कर दिए 9। तो इसका मतलब x का वैल्यू 9 या फिर 9 से बड़ा होगा तब जाकर ये पेरीमीटर का मिनिमम वैल्यू 6, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इसका सॉल्यूशन है। तो x अगर 9 या फिर 9 से बड़ा होगा तो 7x माइनस 2 61 या फिर 61 से बड़ा होगा, मतलब पेरीमीटर मिनिमम 61 रहेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड कर दिए। लेकिन मैं थोड़ा सोच, मुझे थोड़ा सोचना है कि बाकी तीन कंडीशन डालना चाहिए था या फिर बिना तीन कंडीशन डाले ही x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखते हैं। तो बेटे देखो ट्रायंगल लॉ भी आप छोड़ दिए, क्योंकि देखो ट्रायंगल बनाने के लिए और एक लॉ भी है ये साइड्स को लेके, जो लॉ आपको मानना पड़ेगा, वो लॉ आप मतलब डिसोबे नहीं कर सकते हो। और लॉ क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जो होता है उसके हिसाब से दो साइड का सॉम तीसरा साइड से बड़ा होता है हमेशा, याद रखो। तो इसका जो तीन साइड है वो क्या क्या है बेटे, एक बता दो जल्दी जल्दी। एक है x, दूसरा है 3x, दूसरा है 3x माइनस 2, राइट? 3x माइनस 2। तो x प्लस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 3x माइनस 2, ये 3x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन x, ये भी एक। और क्या घट, और क्या बचा, x प्लस उसके साथ साथ पेरीमीटर को भी मिनिमम, ये तो बेसिक कंडीशन है ट्रायंगल का, ये नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। और बनाने के बाद कंडीशन ये भी है कि ये पेरीमीटर का मिनिमम वैल्यू 61 होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो चार चार इनइक्वालिटी है ना बेटे, ये चारों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। एक ये इनइक्वालिटी, एक ये इनइक्वालिटी, एक ये इनइक्वालिटी एंड फाइनली एक ये इनइक्वालिटी, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये इनइक्वालिटी। तो चारों का जो कॉमन सॉल्यूशन, गेट माय पॉइंट? हेलो सर। ओके। तो बेटे पहले मैं देखो पेरीमीटर को लेके करने से कोई गलत था, मैं आपको कल बताऊंगा एक्चुअली गलत क्यों होगा, गलत अगर नहीं होगा क्यों नहीं होगा कल बताऊंगा, मुझे थोड़ा सोचने दो। आपके आर एस अग्रवाल में डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट आंसर 9 लिख दिया है आप जैसे क्यों किया है, बट मे बी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये तीनों इनइक्वालिटी भी है। अगर आपका सॉल्यूशन जो निकला वो अगर ये तीनों में से किसी को डिससेटिस्फाई करते हैं तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, मेरे पास समझ रहे हो ना, ट्रायंगल तो पहले बनना चाहिए। यस सर। इसीलिए तो मैं फिर भी कंफर्म होके, एक्चुअली आई एम कंफर्म्ड, क्योंकि हम जब ये क्वेश्चन किए थे तो चारों को लगा के किए थे, लेकिन आर एस अग्रवाल में देख के चौंक गया कि एक ही में किए कर दिया है, एक ही में कर दिया, इसीलिए इस एक में कर देने से हो गया, लेकिन नहीं भी हो सकता है तो ऐसा करो। ठीक है, तो पहला वाला इनइक्वालिटी क्या रखा, x प्लस 3x इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2, बट दोनों साइड से 3x 3x काट दो, क्योंकि तो काट सकते हैं ना आराम से। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2, राइट? इसका सॉल्यूशन मिल गया, x ग्रेटर देन माइनस 2। अब इसका करते हैं बेटी, ये है 6x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x, तो 5x, अरे समझ रहे हो, x इधर आ गया, ग्रेटर देन 2, यस सर, तो x ग्रेटर देन 2 बाय 5, राइट? ग्रेटर देन 2 बाय 5। ओके, तीसरा को करते हैं बेटे, तीसरा दे रखा है कि x प्लस 3x मतलब 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x, तो x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, x ग्रेटर देन। ओके, तो ये तीन सॉल्यूशन निकले और एक सॉल्यूशन भी हमारे पास है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये चारों में तो ये चारों का कॉमन दिखना है, क्योंकि ये चार चार सॉल्यूशन अपने अपने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
लेकिन हमारा हमारा ट्रायंगल बनाने के लिए चारों का सेटिस्फाइड एक साथ होना जरूरी है, मतलब ये सिस्टम है, तो हमें सबका कॉमन सोल्यूशन देखना है। तो बड़े नंबर लाइन बना देंगे, नंबर लाइन में अगर चार चार नंबर लाइन में बना के दिखाता हूँ, एक दो तीन चार। सर एक्स इज ग्रेटर देन टू। हाँ, क्या 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 नंबर हमारे पास है बेटे, बताओ जरा क्या क्या नंबर है हमारे पास बेटे। सर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू बाई फाइव एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइन। नहीं नहीं, मुझे बस नंबर बताओ, माइनस टू एक है और क्या है सर? टू एक है, टू बाई फाइव और सर नाइन। नाइन, ओके। मुझे वो इनइक्वालिटी बताओगे? अरे हे, एक मिनट ठीक ठाक है तो? माइनस टू के बाद टू, टू के बाद टू बाई, अरे टू बाई फाइव टू के पहले आएगा ना, अरे गधो। यस सर। टू बाई फाइव इज लेस देन टू और नॉट? अरे टू बाई फाइव बोलो ना, तुम बोल लो टू बाई फाइव इधर टू, अरे समझे? यस सर। हम पे गुस्सा होके गलत हम पे गुस्सा होके गलत बोल रहे हो कि सर सर को थोड़ा परेशान कर लेते हैं। ओके बेटे मुझे बताओ एक एक करके, पहला वाला क्या आया था? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, राइट? पहला वाला आया था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ओके, पहला वाला का सॉल्यूशन ये है। दूसरा वाला क्या था बताओ बेटे? सर x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अच्छा, माइनस टू से बड़ा है तो माइनस टू में होल जाएगा क्योंकि माइनस टू नहीं है। तीसरा बताओ बेटा। यस सर। तीसरा बताओ सर, एक्स इज ग्रेटर देन टू बाई फाइव। ग्रेटर देन टू बाई फाइव। चौथा बताओ बेटे। सर इज एक्स इज ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू। तो बेटे देखो कॉमन क्या है बेटे? सर नाइन। देखे ना, और नाइन सब में है ना, नाइन सब में है ना। सैटरडे यस सर। तो फाइनली कॉमन सॉल्यूशन क्या है सर? नाइन। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो एक्स का वैल्यू अगर मिनी, सुनो मेरे, मैं बात सुनो, मैं मेरा लैंग, हां यस सर, लास्ट सर 9 सर प्लस 9। ओके 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 बेटे मेरा लैंग्वेज बस सुन लो, अटेंशन दो। अगर x का वैल्यू 9 या फिर 9 से बड़ा होता है, मतलब अगर x का वैल्यू मिनिमम 9 होता है, तो उससे क्या होता है कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और ये चारों कंडीशन ही हमारा ट्रायंगल बनाने के चार कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई हो गए तो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट? गेट माय पॉइंट? ओके यस सर। ओके, तो विश्वजीत, इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चन, यस यू हैव टू टेक ऑल दिस थ्री इनइक्वालिटीज ऑल्सो, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए साइडों का जो तीन लॉ है ना, वो भी जरूरी है ना। आपका सपोज आ गया एक्स का वैल्यू मिनिमम 2 होना चाहिए, अभी अगर ऐसा पता चला कि एक्स का वैल्यू अगर 2 ले गए तो ट्रायंगल ही नहीं बन सकता, पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि एक्स का वैल्यू अगर ले yes, सर। तो वही तीनों, तो तीनों का आपको लेना चाहिए। ओके गेट इट? मैं कराऊंगा ऐसे सवाल कराऊंगा। यस सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। सीधा सीधा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 फाइनल आंसर। लेकिन आपका सिलेबस, आपका ओके सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डाला जाएगा, ये एक बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में, फिर भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना आपके आरएस बुक में है उतना ही लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। सर ड्राइंग नंबर 9 इज नॉट कंपल्सरी ना, यू टोल्ड अस दैट लिखना x इज ग्रेटर देन, यस नॉट नॉट यस नॉट कंपल्सरी। हाँ, जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है, वेरी गुड। 9 माइनस 2, 2 बाई 5, 2, इनमें सबसे बड़ा है 9, सुबह पढ़ाया था, राइट? वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। वो तो वेरी गुड। देखो स्टूडेंट टीचर से ज्यादा चालाक होता है ना, लास्ट को आपने बोल दी। चलो डन, यस सर। ओके यस सर।